स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया पिछली वीडियो में हाउ टू हेज नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम विद इनकम मेथड। अभी हम उसका एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एनएफपीएफसी फाइंड आउट करना है। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज गिवन 200, ओल्ड एज पेंशन 200, डिविडेंड्स 100, ऑपरेटिंग सरप्लस 900, वेजेस एंड सैलरीज 500, प्रॉफिट्स 400, employer contribution to social security schemes 50, NFI minus 100, CFC consumption of fixed capital, depreciation that is 50, NIP net debt tax is 50. ये CFC था ना, so from the पूछ किया मैंने, not clear करो कार्बन की हम लोग environment नहीं पढ़ रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ CFC का meaning consumption of fixed capital that is depreciation, हम तो भी नाम चेंज करके दे देते हैं। ये मैंने नेट फैक्टर को होम अब्रॉड के लिए यूज किया है, बुक के अंदर कंप्लीट की हुई है टू सेव टाइम एंड टू यूज सोर्स ऑफ। अभी हमने एनएफपीएफसी फाइंड आउट करना है, लेकिन एनएफपीएफसी फाइंड आउट करना भी है तब भी हम लोग की बेसिक्स किसी भी मेथड से आता है, जैसे इनकम मेथड से हमने पहले एनडीपीएफसी फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद रिगार्ड एनएफपीएफसी का इस नेशनल इनकम। नाउ अब हमें लेक्चर में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा एनडीपीएफसी क्या है, COE plus operating surplus plus mixed income that is equal to NDFC. That is NDPFC. COE plus OS plus mixed income that is equal to NDPFC. अब यहाँ COE का क्या है? फैक्ट्री इनकम और ट्रांसफर इनकम का जो हमने डिफरेंस पढ़ा था, वहां हमने देखा कि
the factor income is included in national income and transfer income is not included, because वो क्या होती है कि 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसफर होती है, वो कंट्रीब्यूशन नहीं होता जीडीपी के अंदर कोई भी रियल टर्म में. सो ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम. दूसरा हमने ये अलग से आइटम्स नहीं लिए प्रॉफिट, बिकॉज ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस का कंपोनेंट है. अब हमने निकालना है एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी. कैसे निकालेंगे? एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए that is equal to NNPFC. ये क्या हो गया हमारा NDPFC कितना है? 1470 और NFI कितना? -10. NNPFC कितना है? 1460. ये हमारा फाइनल आंसर है, बट इसके साथ हमें क्या यूज करना है? यूनिट्स. तो प्लीज को फाइनल एग्जाम में कोई भी एग्जाम आप प्रैक्टिस करें, इधर हाफली रिपोर्ट और फाइनल एग्जाम्स, ये याद रखना है. आइटम नेम लिखना है, आइटम नंबर लिखना है, वैल्यू लिखना है, और वैल्यू के बाद लास्ट में हमें यूनिट यूज करना है कंप्लीट मार्क्स के लिए. कंप्लीट आंसर होना चाहिए. वहाँ ये आइटम हाफली लिखने की आवश्यकता नहीं है. देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग दीस आइटम्स और नेम्स बिकॉज टू सेव द टाइम. देयर इज नो नीड एट ऑल. बट हमने यहाँ बोर्ड पर समझने के लिए दिया है, ध्यान रखें. देन अगेन रिपीटेड कि यहां पे क्या फाइंड आउट करना है. एनएनपीएफसी वैल्यूज इज गिवन है, रुपीस लोड किया था ये वैल्यूज गिवन था, एंड हमने एनडीपीएफसी फाइंड आउट किया विद दैट फार्मूला सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग प्लस प्लस फिक्स्ड इनकम दैट इज इक्वल टू एनडीपीएफसी दैट इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम. एंड डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट किया हमने दैट इज 1470 करोड़. फिर हमने NDPFC से NNPFC find out here, NDPFC plus net factor from abroad add it here and we get 1460. ये आंसर आ गया क्लोज. जो NFI को नेगेटिव वैल्यू है, इज इट क्लियर? दैट इज नेशनल इनकम. ये ध्यान रखें लास्ट में कि हमें यूनिट को यूज करना है. रुपीज कोड में गिवन है, लैक्स में गिवन है, अरब में गिवन है.